अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज मुक्सिद अजीज एंड आई वेलकम यू टू गौहर पब्लिशर्स। आवर मोटो इज रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। एंड टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू गौहर मैथमेटिक्स फॉर क्लास 5, चैप्टर नंबर 7, ज्योमेट्री, एंड द टॉपिक वुड बी क्वाड्रिलेटरल्स। जी, तो चलते हैं टॉपिक की तरफ, जो कि है क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल जैसे हमने पहले पढ़ा था, वो ट्राइंगल्स थे, उसमें 3 साइड्स थी और 3 एंगल्स थे। क्वाड्रिलेटरल, क्वाड का मतलब होता है 4, तो ये हमारे पास जो भी शेप्स हैं ये 4 साइड्स और इसके अंदर 4 ही एंगल्स होंगे। ये कुछ आपको एग्जांपल्स क्वाड्रिलेटरल्स की दी गई हैं। इसमें जो एक प्रॉपर्टी जो ट्राइंगल में थी कि ट्राइंगल के तमाम एंगल्स का सम 180 था और क्वाड्रिलेटरल के तमाम एंगल्स का सम जो है वो 360 होगा। ये तमाम शेप्स जो हैं वो क्वाड्रिलेटरल हैं क्योंकि इनकी 4 साइड्स हैं और 4 ही आपके पास एंगल्स हैं। अब कुछ टाइप्स हैं हमारे पास क्वाड्रिलेटरल की, वो हम देख लेते हैं। सबसे पहली तो स्क्वायर है। स्क्वायर एक ऐसी क्वाड्रिलेटरल है जिसकी तमाम साइड्स इक्वल लेंथ की होंगी और तमाम एंगल्स जो हैं वो 90 डिग्रीज के होंगे, जो कि आपको स्क्वायर आपका बनाएंगे। ये आपके पास है तमाम साइड इक्वल लेंथ की और तमाम एंगल्स राइट एंगल यानी 90 डिग्रीज के एंगल्स हैं। देन हमारे पास रेक्टेंगल आ जाता है। रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड्स जो हैं वो इक्वल होंगी और एंगल 90 के होंगे, तो ये आपके पास रेक्टेंगल बना देगी। जो क्वाड्रिलेटरल है वो है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम बेसिकली देखने में एक टेढ़ी रेक्टेंगल लगती है। इसका मतलब है कि इसकी जो साइड ऑपोजिट साइड्स हैं वो पैरेलल हैं और इक्वल हैं लेंथ में, लेकिन फ़र्क इसमें और रेक्टेंगल में ये है कि उसके तमाम एंगल 90 डिग्रीज के थे और इसके एंगल 90 डिग्रीज के नहीं हैं, इक्वल भी नहीं है, इसमें डिफरेंट एंगल्स होते हैं। ऑपोजिट एंगल इक्वल होंगे लेकिन कोई भी 90 डिग्री का एंगल नहीं होगा, यानी एंगल डी और एंगल बी जो हैं वो इक्वल हैं और एंगल ए और एंगल सी यहाँ पर इक्वल हैं, लेकिन कोई भी एंगल 90 डिग्री का नहीं है, इसलिए ये पैरेललोग्राम है। और जो 90 डिग्री के एंगल हैं वो आपके पास रेक्टेंगल है। देन आपके पास आ जाती है रोम्बस। रोम्बस इज़ अ क्वाड्रिलेटरल इन विच ऑल 4 साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। तमाम जो साइड्स हैं वो इक्वल लेंथ की हैं एंड 2 ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, और जो ऑपोजिट साइड्स हैं वो भी पैरेलल हैं, लेकिन आपके पास एंगल जो है वो कोई भी राइट एंगल नहीं है। ये रोम्बस पैरेललोग्राम रेक्टेंगल की एक डिफरेंट टाइप है जिसमें एंगल्स डिफरेंट हैं, और रोम्बस स्क्वायर की एक टेढ़ी शक्ल है जिसमें एंगल्स 90 डिग्री के नहीं हैं लेकिन बाकी प्रॉपर्टीज़ वही हैं कि साइड्स इक्वल हैं और ऑपोजिट साइड्स सब एक दूसरे के पैरेलल हैं लेकिन एंगल 90 डिग्री के नहीं है। देन आपके पास आ जाता है ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम एक डिफरेंट टाइप है जिसमें सिर्फ दो साइड्स ऑपोजिट एक पेयर जो है वो पैरेलल होगा आपस में, दूसरी साइड्स पैरेलल ये देखें नहीं है क्योंकि ये मिल जाती हैं, और एंगल जो है वो आपके पास अनइक्वल होंगे, तमाम एंगल आपके पास अनइक्वल होंगे ट्रेपीजियम में, यानी ट्रेपीजियम में कोई भी एंगल एक दूसरे के इक्वल नहीं होगा, सिर्फ दो साइड्स जो हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होंगी। देन आपके पास आ जाता है काइट। काइट में आपके पास दो सेट हैं इक्वल लेंथ की साइड्स के, एक जैसे ये दो लेंथ्स इक्वल हैं और ये दो साइड्स इक्वल हैं, तो आपके पास 2 सेट ऑफ इक्वल साइड्स हैं और एंगल जो है वो आपके पास दो मिला के 360 होगा, लेकिन एंगल की कोई ऐसा यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन साइड एडजेसेंट साइड्स इक्वल होंगी, एक दूसरे के साथ वाली साइड्स इक्वल होंगी और ये चारों फिर आपके पास एक एक पेयर बन जाएगा साइड्स का, तो ये शेप कहलाएगी काइट, जो कि क्वाड्रिलेटरल है। यूज़ अ प्रोटेक्टर एंड रूलर टू कंस्ट्रक्ट स्क्वायर रेक्टेंगल व्हेन लेंथ ऑफ साइड्स आर गिवन। आप स्क्वायर और रेक्टेंगल को किस तरह ड्रॉ कर सकते हैं जब आपके पास साइड्स दी गई हों। आपको सिर्फ साइड्स की लेंथ पता होनी चाहिए, बाकी एंगल तो तमाम 90 के होंगे, तो आप उसके साथ बड़े इजीली
स्क्वायर और रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हैं। तमाम एंगल्स 90 के हैं, स्क्वायर की तो एक साइड की लेंथ हो तो बाकी साइड्स भी इक्वल लेंथ की होंगी, तो एंगल 90 के करते हुए आप इसको एक स्क्वायर इजीली बना सकते हैं। इसी तरह रेक्टेंगल भी आपको दो साइड्स गिवन होंगी, एंगल हमेशा 90 डिग्री ही रहता है, तो वो भी आप इजीली इसमें कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। स्टार्ट करेंगे आप बेस से, एक बेस लाइन लगाएंगे एंड देन आप उससे फर्दर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट इसकी कर सकते हैं। एंगल्स आपने 90 डिग्री के ही रखने हैं। उम्मीद है ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। अब मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।